हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, एक्चुअली इस व्लॉग में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ पूछना भी चाहता हूँ। सो आप लोगों को पता होगा, मैंने आज से शायद एक महीने पहले थार बुक की थी, है ना। सो थार की बुकिंग मैंने कर रखी है, रेड कलर में मैंने बुक कर रखा है। और कई लोग बोलते हैं कि तू सौरभ जोशी की कॉपी कर रहा है, तू सौरभ जोशी ने रेड थार ली तब तू भी वही ले रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फेवरेट कलर पता है क्या है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। मैं ब्लैक में लेना चाहता था, बट मेरे पास ऑलरेडी अलकज़ार है जो कि ब्लैक कलर में है। और इसी वजह से मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि एक ब्लैक कलर की ऑलरेडी है तो ब्लैक कलर की दूसरी मत ले, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा गंदी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगती है। रेड कलर में भी है लेकिन थोड़ा कम है। बट अगर ब्लैक लाएंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, सब कुछ सेम ही लगेगा, कलर फलर में कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा है कि मेरी वाइफ ने बोला, भाइयों ने भी यही बोला कि रेड कलर, रेड एंड ब्लैक में ले लो, क्योंकि सिर्फ रेड नहीं होता वो, उसमें ब्लैक और रेड में जब आप अगर सामने से देखोगे ना तो बहुत मस्त लगती है। तो मैंने इस वजह से रेड कलर बुक की थी। एंड अगर मैं बताऊँ, मैं बचपन से ही ना स्कॉर्पियो लवर रहा हूँ। स्कॉर्पियो गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी मुझे, आज भी याद है। आज से तीन साल पहले मैं अपने ताऊजी के घर गया था, तो वहाँ पर एक मेरे बड़े दादा के एक मित्र हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करते हैं, उनके पास फॉर्चुनर ली थी उन्होंने नई ब्लैक कलर में। तो मैं देख के सोचा यार, उस टाइम पे वो 22 लाख की उनको ऑन रोड पड़ी थी। 22 लाख सुन के ही मेरी क्या बोलते हैं ना, वो हो गया था। मैंने कहा यार 22 लाख पता नहीं मेरे पास कब होंगे, मैं कब लूँगा। मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैं कि स्कॉर्पियो कभी ख़रीद सकता हूँ या ख़रीद पाऊँगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। ठीक है, जो उस टाइम की सिचुएशन थी, क्योंकि मैं ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, खुद मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो पैसे उतने थे नहीं मेरे पास। बट देखो, टाइम बदलने में बिल्कुल समय नहीं लगता। मैंने ऑनलाइन पढ़ा। उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल था लेकिन उतनी अर्निंग नहीं थी। मैं बीएससी बीटेक वालों को मैथ्स पढ़ाता था, तो मेरी यूट्यूब से जो अर्निंग होती थी उस टाइम पर 10,000, 8,000, 12,000 महीने की पेमेंट आती थी। मतलब $100 मुश्किल से बनते थे, 100 प्लस आता था, बस थोड़ा खर्चा निकल जाता था, ऐसा सीन था। तो वो टाइम था और आज का टाइम है। वही मैं सोचता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत करोगे ना, जी जान अपना मेहनत लगाओगे, डेडिकेशन लगाओगे, और आप अपना बेस्ट दोगे, कंटेंट अच्छा रहेगा, ठीक है, लोगों को अगर उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो गए यूट्यूब में। ये मेरा मानना है। पर्सनली मैं बताऊँ, ये जो व्लॉग्स मैं बनाता हूँ ना, मुझे उतना मज़ा नहीं आता व्लॉग्स में। और मैं पर्सनली सच बता रहा हूँ, मुझे लगता भी है कि ये जो व्लॉग्स लोग देखते हैं, हालांकि उनके अच्छे लगते हैं लोगों को, मुझे भी पसंद है, लेकिन ये किसी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। करता है क्या? कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। आप किसी के व्लॉग्स देख के कुछ भी नहीं सीखते, ना मेरे व्लॉग देख के कुछ सीखते हो, ना आप किसी के व्लॉग देख के कुछ सीखते हो। मतलब आपके लाइफ में ये कुछ ऐड नहीं कर रहा, ये मेरा मानना है, सच बता रहा हूँ। लेकिन मेरा जो दूसरा चैनल है ना एजुकेशन का, तो वहाँ पर मैं बनाता हूँ वीडियोस, तो मुझे लगता है कि हाँ सच में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, और मुझे प्राउड फील होता है उस चीज़ से कि अब मेरे से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, मैं लोगों को एजुकेशन दे रहा हूँ। एजुकेशन से बढ़कर और कुछ नहीं है, तो वो मेरे लिए फ़ायदा है। ठीक है, वो मेरे लिए प्राउड की बात है। अगर सपोज करो जो कि कभी नहीं होगा, अगर मैं व्लॉग चैनल से 1,00,000 रुपये कमा रहा हूँ और मैं अपने एजुकेशन चैनल से 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं प्राउड फील करूँगा उस 10,000 रुपये में। ठीक है, चलो ये सब बातें छोड़ो। थार बुक कर ली थी मैंने, थार की भी चल रही है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सोर्स लगाऊँ, थोड़ा पुश करूँ, थार मेरी नेक्स्ट मंथ भी आ सकती है। तो मैं थार इतने जल्दी क्यों नहीं लेना चाह रहा था? एक्चुअली मैं ना 2 प्लॉट देख रहा हूँ हाईवे के बगल, वो थोड़े महंगे हैं, और तो वो लेने हैं मुझे प्लॉट्स भाइयों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए। ठीक है, उनको प्लॉट्स लेने हैं ताकि वो दुकान डाल सकें, अपना कुछ कार कर सकें, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो थोड़ा अच्छा, उतना अर्निंग उनकी अच्छी नहीं है, तो उनका लाइफ थोड़ा सिक्योर हो जाए, इस फील्ड में मैं कुछ सोच रहा हूँ उनके लिए, ये बात है। तो वहाँ पे मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा डिले कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, डिले हो जाए। लेकिन इस बीच आ चुकी है नई स्कॉर्पियो। पुरानी स्कॉर्पियो बाहर से दिखने में अच्छी है लेकिन अंदर से उसके फीचर्स नहीं है, ना ही सेफ्टी में उतनी अच्छी है। बाहर से बिल्ड क्वालिटी अच्छी है लेकिन बाकी सेफ्टी मेजर्स में वो 0 रेटिंग है उसकी। बट नई स्कॉर्पियो तगड़ी बनाई है महिंद्रा ने। ठीक है, तो क्या कहते हो पब्लिक, स्कॉर्पियो ली जाए या महिंद्रा थार ली जाए? थार बुक करने का रीज़न क्या था?
देखो गाड़ी का शौक तो मुझे है, सो नो डाउट, बट पैसे भी होने चाहिए ना, पैसे उतने नहीं है। बट थार बुक करने का रीज़न है क्योंकि मेरे पास 7 सीटर कार है घर पे, अल्कज़ार, उसे लेके कहीं जाना एक बड़ा इशू बन जाता है, कहीं पार्क करो, यहाँ से घुमाऊँ, और थार है छोटी गाड़ी, इसीलिए मैंने उसे बुक किया था, ठीक है। सो अभी भी मेरे मन में थार ही लेना है, स्कॉर्पियो फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। बट आप क्या कहते हो, मेरे पास अल्कज़ार है, मैं अल्कज़ार अपने कार से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, उसमें फीचर्स भरे पड़े हैं, मेरी फैमिली के लिए बेस्ट कार है, ड्राइविंग में भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती थी कार, और मैंने अल्कज़ार खरीद के, इतनी बड़ी कार खरीद के कार चलानी सीखी है, ठीक है, और अल्कज़ार से ही सीखी है, मैनुअल है मेरे पास, ऑटोमेटिक भी नहीं है, ठीक है, मैनुअल चलाना सीखा है मैंने, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं ली मैंने, क्योंकि ऑटोमेटिक चलाऊँगा मैनुअल नहीं चला पाऊँगा कभी भी, ठीक है, तो मैंने मैनुअल सीखी। अगर आप मैनुअल में सीखे तो आप हर कोई कार चला लोगे, ठीक है ना, ये सब मुझे बोल रहे थे, तो इसी चीज़ को मैंने देखा, तो मैंने अल्कज़ार ली थी। और उस टाइम पे पहले मैं क्रेटा लेने वाला था, तो क्रेटा की बुकिंग बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा वेटिंग बता रहा था, मुझे उतना वेट नहीं करना था क्योंकि कार लेनी ही थी मुझे और जल्द से जल्द लेनी थी। तो उस टाइम पे कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी अल्कज़ार, तो वो थी, तो मैंने वो बुक की। इससे पहले मैंने सेल्टोस बुक की थी और सेल्टोस वालों ने मेरा लोन अप्रूवल नहीं किया था, इशू का आ रहा था कुछ, उनको पता नहीं क्या आ रहा था, तो मेरे गुस्से में मैंने सेल्टोस कैंसिल करके उसके एक हफ्ते बाद मैंने अल्कज़ार बुक कर दी, और अल्कज़ार बुक करते ही उन्होंने मेरा लोन भी अप्रूवल कर दिया कि सर किसने बोला आपका लोन नहीं होगा, मेरा आपका लोन झट से हो गया, मेरा लोन हो गया और मुझे 10 दिन के अंदर कार भी डिलीवरी, 10 दिन से पहले कार की डिलीवरी हो गई। तो उसी से मैंने सीखा और खुश हूँ, लेकिन वो सेकेंडरी व्हीकल के तौर पर मैं थार लेना चाहता था कि वो छोटी है, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, अगर सिंगल हमें जा रहा हूँ कहीं, कहीं पार्किंग में जगह कम होती है तो थार बेस्ट है, इसी चक्कर में थार बुक की थी। अब स्कॉर्पियो आ गई है, मैंने पूछा भी था थार बुक करते टाइम कि मैम स्कॉर्पियो कब आ रही है, तो उन्होंने बोला था अभी थोड़ा टाइम है सर, पता नहीं, मैंने कहा बता दीजिए फिर भी, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो देखते हैं, अभी स्कॉर्पियो खड़ी नहीं हुई आँखों के सामने, फ़ोटो में तो देख ली, वीडियो में देख ली, बट जब तक आप चीज़ों को आँखों से सामने ना देखो ना तो वो फील नहीं आती है। अल्कज़ार भी जब मैंने बुक की थी ना, मैंने देखा रियल में, आंखों के सामने खड़ी थी, तब जाके मैंने बुक की थी। अब जब आएगी सामने, आंखों के सामने, फिर देखूंगा सब कुछ, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके, तो फिर देखेंगे कि क्या मूड बनता है क्या नहीं होता है। बट ऑनेस्टली अभी 7 सीटर कार है, आप लोग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी थार पे ही जाना चाहिए या फिर स्कॉर्पियो के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, प्रॉमिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।